नमस्कार, वीआईपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज के हिंदी ऑडियो आर्टिकल में डीएलएड शिक्षा दिग्दर्शन द्वितीय सेमेस्टर से प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास अध्याय 10 प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 से 93 के बीच शिक्षा समिति के बारे में रहेगा। तो यशपाल समिति का उद्देश्य क्या था, यह बीटीसी 2016-15 में पूछा गया है। जीवन प्रयत्न स्वसाध्य तथा कौशल विकसित करने की क्षमता निर्माण सहित अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर कड़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना, यशपाल समिति का उद्देश्य यही था। अब आते हैं अगला प्रश्न जो बीटीसी 2016 में पूछा गया है, शिक्षा बिना बोझ के, इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे। तो यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट की सारांश भी लिखिए। हमारी शिक्षा में व्यवस्था की एक बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीखते हैं या समझते हैं। पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते की औसतन भार 4 किलोग्राम के लगभग है। हम जिस बोझ का अध्ययन कराना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का बोझ भी है, जो भी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों पर हैं। बचपन के शुरू के दिनों से ही बच्चे, विशेषकर मध्य वर्गों के बच्चे, गृह कार्य, ट्यूशन तथा विभिन्न प्रकार की कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश तो उनके लिए दुर्लभ वस्तु हो गया है। बच्चों को रोज की दिनचर्या में अपनी सहज प्रकृति या क्षमताओं को दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। उन्हें खेलने, साधारण आनंद लेने, सोचने समझने और विश्व को जानने का समय नहीं मिलता है। पाठ्यक्रम को पूरा करते ही अपने आप में लक्ष्य बन गया प्रतीत होना है, जिसका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं रहता है। स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचिकर तथा कटु अनुभव प्रदान करने वाली प्रतीत होती है। अत्यधिक बड़ी कक्षाओं, भारी पाठ्यक्रम, कठिन पुस्तकों आदि के कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितियों में शिक्षक स्वयं को शिक्षा के व्यापक उद्देश्य अर्थात बच्चे के समग्र व्यक्तित्व का विकास के लिए कुछ कर पाना व्यवहारिक रूप से असंभव पाते हैं। स्कूलों में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी परीक्षा प्रणाली केवल रटने की क्षमता की जांच कर पाती है। परीक्षा के द्वारा भय उत्पन्न होता है। पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य सामग्री इस ढंग से प्रस्तुत की जाती है कि पुस्तकीय ज्ञान बच्चे के संसार में से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। इससे संदेश मिलता है कि सारांश साधारण लोग जो जीवन जीते हैं वह गलत अथवा असंगत स्कूल ज्ञान में जीवंता नहीं होती है तथा वह उत्तरो रश्मि, बोझिल व अप्रासंगिक बना जाता है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में बच्चों तथा अन्य लोगों के द्वारा आमतौर पर अपने वातावरण में इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली, मुहावरे तथा अभिव्यक्ति शैली के दर्शन नहीं होते हैं। पाठ्य पुस्तक की कृत्रिम भाषा शैली के कारण जीवन की दूरी बढ़ती है, जो स्कूली ज्ञान से जुड़ी बोझ की भावना को और भी बढ़ा देती है। पाठ्य पुस्तकों के प्रायः प्रकृति में किसी वस्तु का अवलोकन कराने के स्थान पर उस वस्तु के चित्र व अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। अनुभव के स्थान पर चित्रों का प्रयोग करना पाठ्य लेखन में एक दिन चित्ताजनक प्रवृत्ति है, जो बोझ की समस्याओं को अधिक गंभीर बनाती है। पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु में संगठन तथा तालमेल की कमी है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रमों में अमूर्तता के स्तर में एकदम बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। अवधारणाओं और सूचनाओं की पुनरावृत्ति से भी बोरियत तथा बोझ की भावना पैदा होती है। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आयोजकों में विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों को पढ़ने की क्षमता तथा औसत स्कूलों में संबंधित विषय के शिक्षण के लिए उपलब्ध समय पर ध्यान दिए बिना अधिकाधिक विषय वस्तु शामिल करने की सशक्त प्रवृत्ति या विचारधारा पाई जाती है।
नर्सरी शिक्षक तथा अभिभावक छोटे बच्चों को बाह्य औपचारिक अध्ययन तथा पाठ्य पुस्तकों का बोझ डालने के लिए स्वयं को बाह्य महसूस करते हैं। वाहत की यह भावना इस भ्रांति से उत्पन्न होती है कि यदि बच्चे की शैक्षिक प्रशिक्षण कम आयु से में शुरू नहीं किया जाएगा तो वह बाद में वर्षों में तीव्र गति के शिक्षण में प्रतियोगिता भावना का सामना नहीं कर पाएगा। पाठ्यक्रम के बोझ की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। स्कूलों की अत्यंत खराब हालत, शिक्षकों की अनुपस्थिति जैसे आधारभूत समस्याओं के बावजूद पाठ्यक्रम के बोझ की यह समस्या ग्रामीण भारत में भी है। पाठ्यक्रम पुस्तकों में शहरी मध्यवर्गीय जीवन शैली की ओर प्रतीकात्मक झुकाव है, जिसके कारण भी ग्रामीण बच्चों का स्कूली अनुभव के साथ संपर्क कमजोर व अस्थायी ही होता है। अब आते हैं अति लघु त्रिय प्रश्न में। प्रोफेसर यशपाल समिति किस समस्या के लिए गठित हुई? जीवन प्रयत्न स्वसाध्य तथा कौशल विकसित करने की क्षमता निर्माण समिति अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने की उपायों में सलाह देना। हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी त्रुटि क्या है? अगला प्रश्न है, हमारी शिक्षा में व्यवस्था की एक बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीखते या समझते हैं। अगला प्रश्न है, जिस बोझ को हम अध्ययन करना चाहते हैं वह क्या है? हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह केवल न भौतिक बोझ है बल्कि जीवन का बोझ भी है। जो भी स्थानों पर विभिन्न प्रकार की विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों पर है। अगला प्रश्न है, बचपन में ही बच्चों के लिए व्यवस्था क्या है? बचपन के शुरू के दिनों से ही बच्चे, विशेषकर मध्य वर्गों के बच्चे, गृह कार्य, ट्यूशन तथा विभिन्न प्रकार की कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश तो उनके दुर्लभ वस्तु हो गया है। अगला प्रश्न है, बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य क्या हो गया है? पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया है प्रतीत होता है। इसका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा इस समय लाभप्रद है या नहीं है? स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल, अरुचिकर तथा कठु अनुभव प्रदान करने वाले प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है, हमारी परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? स्कूलों में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधिक महत्व दिया जाता है। हमारी परीक्षा प्रणाली केवल रटने की क्षमता की जांच कर पाती है। परीक्षा के द्वारा ही भय उत्पन्न होता है। अगला लास्ट प्रश्न है, नर्सरी शिक्षकों की व्यवस्था क्या है? नर्सरी शिक्षक तथा अभिभावक छोटे बच्चों की बाह्य औपचारिक अध्ययन तथा पाठ्य पुस्तकों का बोझ डालने के लिए स्वयं को बाह्य महसूस करते हैं। वाह्यता की यह भावना की भ्रांति से उत्पन्न होती है कि यदि किसी बच्चे का शैक्षिक प्रशिक्षण कम आयु में शुरू नहीं किया जाएगा तो वह बाद के वर्षों में तीव्र गति के शिक्षण व प्रतियोगिता भावना का सामना नहीं कर पाएगा, यानी कि वह पीछे हो जाएगा और पीछे ही होता चला जाएगा। तो ऐसे ही ऑडियो आर्टिकल अगर आपको सुनने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। नमस्कार, वीआईपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज के हिंदी ऑडियो आर्टिकल में डीएलएड शिक्षा दिग्दर्शन द्वितीय सेमेस्टर से प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास अध्याय 10 प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 से 93 के बीच शिक्षा समिति के बारे में रहेगा। तो यशपाल समिति का उद्देश्य क्या था, यह BTC 2016-15 में पूछा गया है। जीवन प्रयत्न स्वसाध्य तथा कौशल विकसित करने की क्षमता निर्माण सहित अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर कड़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना, यशपाल समिति का उद्देश्य यही था। अब आते हैं अगला प्रश्न, जो BTC
2016 में पूछा गया है, शिक्षा बिना बोझ के, इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे? तो यशपाल समिति के सुझाव